हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सॉपस्टार चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किड्स स्पेशल मीठे पराठे की रेसिपी। घर में रहते हुए बच्चे बार बार मीठा खाने की ज़िद करते हैं, तो ऐसे में आप फटाफट से उन्हें ये मीठा पराठा बनाकर खिला सकते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत कम समय में बनकर तैयार होता है और ये बिल्कुल सेफ है, हेल्दी है। तो आप ये मीठे पराठे घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम जल्दी से मीठे पराठे बनाना शुरू करते हैं। मीठा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 4 टीस्पून देसी घी, आटा गूंथने के लिए पानी, 1/2 टीस्पून नमक, 4 टीस्पून शुगर। अब पराठा बनाने के लिए आटा गूंथकर तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें 1 कप आटा ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून इसमें घी ऐड कर देंगे ताकि पराठे और सॉफ्ट बने। एक बार मिक्स कर लेंगे इन सभी चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा पानी गूंथ डालते हुए आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। नॉर्मल जैसा हम रोटी का आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा हमें गूंथकर तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लिया है और अब हम इसे लीड कवर करके 5 से 7 मिनट यूं ही रखे रहने देंगे। और अब 7 मिनट बाद ये देखिए हमारा आटा और अच्छी तरह से सेट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और तवा गर्म हो रहा है तब तक हम पराठा बेलेंगे। तो ये देखिए, जितना हम रेगुलर रोटी बनाते हैं बेलते हैं उतना ही बड़ा हमें आटा लेना है। इस तरह की इसकी मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। और अब इसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आटा लिया हुआ है, इसमें हम अच्छी तरह से इसे लपेट लेंगे आटे में और अब इसे थोड़ा बड़ा बेल लेंगे। इतना बड़ा बेल लेने के बाद इसमें हम थोड़ा घी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब शुगर इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। आप इसे अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। इस तरह से करने के बाद एक बार फिर हम इसे आटे में लपेट लेंगे और आप इसे बेलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इस पर। और अब हम इस बिले हुए पराठे को हमारे तवे पर ऐड करेंगे जो ऑलरेडी गर्म है। और अब लगभग 1 मिनट हम इसे इसी साइड से सिकने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और अब इसे हम टर्न करेंगे और अब इसके बाद हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। और अब इसे बैक साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक सिकने देंगे, उसके बाद इसे टर्न करेंगे। और अब हम इसे टर्न करेंगे और फिर से घी अप्लाई कर देंगे और अब 1 मिनट के लिए बैक साइड से पकने देंगे। 1 मिनट बाद टर्न कर देंगे, बैक साइड से 1 मिनट फिर से सेकेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, कितना डिलीशियस दिख रहा है। और अब सेम प्रोसेस से दूसरा पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से बाकी के पराठे सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे मीठे पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस बार आप भी ये पराठे घर पर ज़रूर ट्राई करें। Thank you for watching.